हेलो गाइस, गाइस नई वीडियो में अगेन आप लोगों का वेलकम है। गाइस यहाँ पे मैंने आपको कल की डेट में मैंने आपको ओवर वॉलेट का अपडेट प्रोवाइड किया था, जिसमें इन लोगों ने इनका 13 मार्च को ओपन बेटा टेस्टनेट लाइव हो गया था। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया था कि आपको यहाँ पे कैसे करना है, इनमें कैसे आपको साइनअप करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे इनका प्राइवेट की भी आपको जनरेट करके मैंने बताया था। तो ऑलमोस्ट मैंने ये चीज़ें आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करना है, पे बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लाइक यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे सामने, यहाँ पे हमें स्टेकिंग का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आ रहा है और प्रोफाइल और सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले गाइस यहाँ पे कई लोगों को इशू आया है कि यहाँ पे जो 500 जो टोकन है गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग में ओवर टोकन से बोनस अगर जिन्हें नहीं मिला है गाइस यहाँ पे, वो लोग एक दो तीन बार ट्राई करें, क्योंकि कई यूज़र्स के यहाँ पे 500 टोकन जो रिसीविंग बोनस जो जिन्हें नहीं मिला है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं 500 टोकन भी मिल चुके हैं, और यहाँ पे डेली जनरेट जो हमें 10 टोकन मिलने वाला है वो भी मुझे मिल चुका है, और यहाँ पे मैंने इसे पाल भी स्टेकिंग पे भी लगा दी। तो गाइस मैं भी आज की वीडियो में आपको स्टेकिंग पे भी लगा के बताने वाला हूँ कि कैसे स्टेक लगाना है, कैसे अनस्टेक करना है, कैसे हमें डेली रिवॉर्ड्स को क्लेम करना है, सारा कुछ प्रोसेस बताने वाला हूँ। पर उससे पहले गाइस यहाँ पे आप लोगों को अगर 500 बोनस नहीं मिला है तो आप लोग अभी ट्राई करते रहे, क्योंकि ओवर वॉलेट यहाँ पे गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर हो चुका है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत सारे यूज़र्स एक साथ यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या हो सकता है इनका दूसरा अपडेट आया एप्लीकेशन का, जिसमें हमें यहाँ पे सारा कुछ बिल्कुल स्मूथ और सिंपल तरीके से रन करते हुए हमें देखने को मिलने वाला है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए और आप लोग यहाँ पे एक दो बार तीन बार ट्राई करते रहे, क्योंकि मैंने अभी इसे जस्ट जनरेट को मैंने अभी क्लेम किया था, तो यहाँ पर मुझे 10 से 15 मिनट मुझे लग गया था गाइस यहाँ पर इसे क्लेम करने में। तो उसके बाद भी मुझे यहाँ पे 10 टोकन मुझे यहाँ पर मिल चुका, और ये हमें हर 24 घंटे में मिलने वाला है। देख सकते हैं हमारे सामने एक टाइमर यहाँ पर स्टार्ट है, हर 24 घंटे में आपको एक बार आपको यहाँ पर आना है यहाँ पर, और आने के बाद आपको यहाँ पर इसे सिंपली क्लेम पे क्लिक करना है और आपको क्लेम कर लेना है। क्लेम करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसमें आना पड़ेगा आपको स्टेकिंग पे। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 509 टोकन यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे कल 500 मिला था बोनस में और 10 मुझे जो डेली मिलने वाले आप लोगों को भी मिलेंगे, तो 10 यहाँ पे 509 टोकन से मुझे हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ही मैंने सुबह सुबह से लगा दिया था, और मैं सुबह सुबह इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैंने इसे लगा दिया था, बट गाइस यहाँ पे ये मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रही है। तो देख सकते हैं मेरे पास भी यहाँ पे 1.4 टोकन से यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिल चुका है जो मैंने स्टेकिंग पे लगाया है। तो आप लोगों को भी गाइस ये मिलने वाला है, और आपको जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गाइस यहाँ पे और आपको यहाँ से लगाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप अप का आपको क्लिक करना होगा, और आपको आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल ओवर पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जो भी आपका ओवर टोकन है आपको सिंपल इस पर अगर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कई सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं प्रॉपरली। मैं स्लाइड कन्फर्म पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और ये भी मेरा जो टोकन है ये भी मेरे यहाँ पे स्टेकिंग पे लग जाएगा। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे पाल्म स्टेकिंग यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हो चुका। अब यहाँ पे गाइस ये तुरंत नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पे कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, या इनका अभी जो इनका एप्लीकेशन नया अपडेट आया शायद इसमें प्रॉब्लम है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरा ये अब लग चुका है। तो अब थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पे थोड़ी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रन करने लग गई है। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टेक पर आता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 519 हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पर डे आप लोग यहाँ पे आएंगे और आप लोग जनरेट को जैसे यहाँ पे आप लोग क्लेम करेंगे, आप लोग यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में, आप लोग यहाँ पे इसे स्टेकिंग पे लगा देंगे। उससे होगा क्या गाइस यहाँ पे कि आपको क्या है कि आपके पास जितना टोकन होगा और जितना आपके पास यहाँ पे क्लेमिंग में होगा, तो उसको देख करके यहाँ पे जो ओवर की टीम है हो सकता है इन पर लोग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टोकन को आप लोग यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टनेट के टोकन को आप लोग यहाँ पे अर्न करें। हो सकता है मे भी यहाँ पे आपने जितना भी ओवर टोकन को आप लोगों ने यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाया उसका कुछ रेशियो के हिसाब से हमें रियल के जो मेन नेट के टोकन आने वाले हैं वो हमें प्रोवाइड कर दे। और भी चीज़ें यहाँ पे गाइस यहाँ पे हमें जो मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले जो माइन किया है यहाँ पे ये पॉइंट्स, और यहाँ पे जो भी आपने फ्रेंड्स को रेफर किया इसके कार्ड्स, इनके रिवॉर्ड तो गाइस यहाँ पे कंफर्म है, बट यहाँ पे जो हम टेस्टनेट में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें और इसमें, और यहाँ पे जो हम स्टेकिंग में कर रहे हैं, तो इसका भी हमें अलग से रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो बात गाइस इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आप में से कोई भी पर्सन इस चीज़ को मिस नहीं करेगा। यहाँ पर टेस्टनेट में सभी को पार्टिसिपेट करना है, और आपको जैसे कि अनस्टेक करना है तो आपको जैसे विड्रॉ पर जाना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे जो आफ्टर वेटिंग 10 मिनट्स कंप्लीट विड्रॉ योर टोकन, यानी कि 10 मिनट का टाइम लगने वाला है आपके टोकन से विड्रॉ होने में। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपको सिंपल इसको क्लिक कर देना, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका यहाँ पे टोकन अनस्टेक हो जाएगा। बट गाइस मैं अभी के लिए इसे अनस्टेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टेकिंग के लिए रहने देना है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टोकन को यहाँ पे मैं मतलब कि क्लेम से हमें रिवॉर्ड लेना है। अब जैसे यहाँ पे हम क्लेम करेंगे, जैसे मेरे पास 1.4 टोकन यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे मैं जैसे क्लेम पे क्लिक करूँगा
तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे यहाँ पे क्लेम क्लिक करता हूँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये भी है मेरे यहाँ पे ये क्लेम हो जाएगा। देख सकते हैं रिक्वेस्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्लेम भी हमारा लग चुका है यहाँ पे देख सकते हैं। अभी फेल्ड बता रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं फेल्ड हो चुका है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे मेरा एक क्लेम नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें अभी देख सकते हैं, व्यू मोर पे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे गाइस सारी चीज़ हम देख सकते हैं कितना हम लोगों ने स्टेकिंग पे लगाया है, हमें कितना रिवॉर्ड मिला है, टोटल रिवॉर्ड कितना मिला है, सारा कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस ये काम आप लोग कर लें, और जो पहले से ही गाइस यहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया तो इससे पिछले वाली वीडियो में जाकर देखें, उसमें कैसे आपको प्राइवेट की यानी कि आपका कुछ एक कोड बना लेना है, उस कोड को मैंने बताया था आपको कैसे आपका एक नाम और वर्ड और सिमिलर लेटर सब मिल करके वहाँ पे 8 डिजिट का आपको एक वर्ड बनाना है, जिससे गाइस यहाँ पे आपका प्राइवेट की अगर कहीं खो जाए तो आप लोग उसे डाल करके आप लोग यहाँ पे सिंपली उस प्राइवेट की को आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये काम कर लेना है गाइस यहाँ पे, और भी कोई अपडेट आएगा गाइस यहाँ पे तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग ये सारे काम करके रख ले और डेली बेसिस पर आप लोग यहाँ पे जनरेट को यहाँ पे क्लेम करते रहे, नेक्स्ट जनरेशन को क्लेम करते रहे, और आने वाले टाइम में हमें इससे अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है गाइस यहाँ पे। तो डोंट मिस, आप लोग ये सारे काम करके रख ले गाइस। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज या माइनिंग के प्रोजेक्ट्स या एयर ड्रॉप आप लोगों से मिस ना हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में अर्निंग से रिलेटेड फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।